हर महीने ग्रह एक निश्चित समय पर अपना स्थान बदलते हैं, जिसमें जून के महीने में कई ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। इस वक्त बुध मेष में है और मार्गीय चाल चल रहे हैं और बुध हाल ही में मार्गीय हुए हैं। बुध ग्रह 7 जून को शाम 7:40 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जिस राशि में जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। बुध ग्रह कन्या में उच्च और मीन राशि में नीच के होते हैं। बुध का मित्र शुक्र की राशि वृश्चिक में आना शुभ माना जाता है। यहाँ पर बुध मौजूद स्थिति में होंगे। बुध के मौजूद स्थिति में होने पर जातकों को अच्छे स्वास्थ्य और तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। करियर में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए जानते हैं किन 5 राशियों पर बुध के शुभ प्रभाव मिलने वाले हैं। बुध गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभाव। बुध का गोचर मेष राशि के प्रथम भाव में होने जा रहा है। आपके लिए यह गोचर धन लाभ और करियर की दृष्टि में बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इस बीच आपको नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और विदेश से व्यापार करने वालों को लाभ होगा। आप अपनी बुद्धि के प्रयोग से हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक मामलों में भी यह गोचर आपके लिए शुभ होगा और आप धन की बचत अधिक कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में पार्टनर के आज गजब का तालमेल देखने को मिलेगा और आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये गोचर ठीक रहने वाला है। कर्क राशि में भी बुध के गोचर का प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें कि बुध का गोचर कर्क राशि वालों के लिए उनके एकादश भाव में होगा। इसके प्रभाव से आपको करियर में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। कार्य क्षेत्र में आपको कई अवसर मिलेंगे और अगर आप इन अवसरों का अच्छे से प्रयोग करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। जिन लोगों का अपना बिजनेस है उन्हें भी समझदारी भरे फैसलों से लाभ हो सकता है। प्रेमी के साथ जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और पार्टनर के साथ आपके संबंध और गहरे हो जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में इस वक्त आपको छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, बाकी सब ठीक रहेगा। कन्या राशि में भी बुध का गोचर है। कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर अनुकूल प्रभाव देने वाला माना जा रहा है। करियर के लिहाज से आपके लिए यह अवधि बेहद शानदार होने वाली है। आपको नौकरी में कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। आपको काम में बेहतर प्रदर्शन करने का इनाम मिलेगा। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें उच्च लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विरोधी भी आपसे हार जाएंगे। आर्थिक मामलों में आपको लाभ होगा और इस बीच कहीं से रुका धन आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों में जीवन साथी के साथ बेहतर सामंजस्य भी देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और परिवार के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। मकर राशि में भी बुध का गोचर होने वाला है। आपको बता दें कि मकर राशि वालों के लिए बुध एक भाग्यशाली ग्रह माना जाता है। इसका वृश्चिक राशि में गोचर भी आपको मनचाहे फल देने वाला माना जा रहा है। आपको इस अवधि में कहीं से ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपको धन लाभ दे सकते हैं और जिस प्रकार की नौकरी आप खोज रहे हैं वो इस अवधि में आपको मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी यह गोचर आपके लिए शुभ लाभदायक रहने वाला है। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। करियर में आपकी प्रगति को देखकर भी आप संतुष्ट रहेंगे। मीन राशि में भी बुध का गोचर का प्रभाव पड़ेगा जो कि बेहद शुभ होगा। जी हाँ, नौकरी में मनचाहे परिणाम आपको मिलेंगे। आप जीवन में हर क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। इस वक्त कुछ लोगों को नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। हालांकि आर्थिक मामलों में धन लाभ होने के साथ ही आपको खर्च में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। लव लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानी को छोड़ दें तो आपके संबंध पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रहने वाले। स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आपके लिए यह गोचर फल देने वाला माना जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।